बैगन है और ये टमाटर है, मर्चा है। देखिए 90 बरिश का हो चुकी है यहाँ पर सब्जी, मर्चा है डुमराव मार्केट का, ये देख लीजिए मर्चा है। जय हिंद। तो देखिए अभी हम है डुमराव में, अभी हम प्रवेश करने वाला है डुमराव जो कि सब्जी बाजार का गोला है, उसमें अंदर चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं कितना भीड़ होता है। ये डुमराव सब्जी बाजार का गोला है, अंदर चलेंगे यहाँ का दिखाएंगे किस प्रकार से बहुत सारे लोग, अभी नवमी का मौसम है यानी कि दुर्गा पूजा का, तो काफ़ी सारा भीड़ है। तो अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं कि सब्जी मार्केट कैसा है और यहाँ पर काफ़ी सारा भीड़ हो रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए हम गोला में प्रवेश कर चुके हैं, डुमराव का सब्जी मार्केट है, काफ़ी सारा भीड़ है और देखिए हम सब्जी मार्केट में आ चुके हैं। देख लीजिए शाम का समय है, लगभग 4:30 हो गया है, तो काफ़ी सारा भीड़ है। देखिए चारों तरफ सब्जी का मार्केट सजा हुआ है और देखिए हम सब्जी भी कुछ खरीदेंगे, तो पहले आप लोगों को सब्जी मार्केट हम घुमा देते हैं। देखिए काफ़ी सारा भीड़ है, अभी शाम का समय है जिसके कारण बहुत सारा भीड़ है। आप देख लीजिए ये सब्जी यहाँ पर बिक रहा है और सब्जी ये चारों तरफ सब्जी का मार्केट सजा हुआ, आप देख लीजिए ये चारों तरफ। उधर जाइएगा तो मछली वगैरह का है, तो अभी नवमी हम उधर नहीं जाएंगे, हम अभी आप लोगों को सब्जी मार्केट घुमाएंगे। तो देखिए ये सब्जी मार्केट है, काफी सारा भीड़ है। देखिए गोभी वगैरह कितना रुपया गोभी भैया, गोभी बोलिए 10 का गोभी है, देख लीजिए ये 10 का गोभी है। और भी जान लेते हैं, बताइए टमाटर कैसे है और बैगन। तो ये टमाटर और बैगन बेच रहा है जो कि 40 रुपए किलो है। तो देखिए मार्केट में काफी सारा भीड़ है। देखिए मुरई कैसा है भैया, 15 में आधा किलो मुरई मिल रहा है। डुमराव का सब्जी गोला है जो कि क्षेत्र का बहुत बड़ा गोला है। अब देख लीजिए चारों तरफ सब्जी का मार्केट लगा हुआ है, देखिए चारों तरफ सब्जी मिल रहा है। और अभी चलते हम आरू और सारा बहुत सारा घूमने का है, इसमें हम पूरा मार्केट आप लोगों को घुमाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। डुमराव मार्केट का ये देख लीजिए मर्चा है, ताजा मर्चा है और बता रहे हैं 40 रुपए किलो है। और ये देखिए ये सभी लोग बेच रहे हैं यहाँ पर, देखिए चारों तरफ मार्केट लगा हुआ है। देखिए आप लोगों को सब्जी हम दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए चारों तरफ सब्जी लगा है, वो उधर बिका रहा है। और देख लीजिए ये है मूली, ये भी देख लीजिए मूली बेच रहे हैं, कैसे मूली बेच रहे हैं भैया, 15 में आधा किलो मूली बेच रहे हैं। देख लीजिए ये सब्जी है, बैगन है, बोरो है, भिंडी है, चारों तरफ लगा हुआ है। आप देख लीजिए मार्केट में काफी सारा, कैसे पालक दे रही है, खीरा है, लौकी है, बोरो है, सब कुतिया है, झिंगनी कैसे है भैया, ये 30 का दे रहे हैं। और उधर ओल है, करेला है, सभी ताजा सब्जी है, सब ताजा सब्जी है। यहाँ पर काफी सारा शाम के समय में भीड़ होता है, देख लीजिए चारों तरफ सब्जी लगा हुआ है यहाँ पर, देखिए। और ये लोग भी बैगन वगैरह बेच रहे हैं, पपीता बेच रहे हैं जो कि देखने से तो काफी ताजा लग रहा है, आकर आप भी मार्केट में देखिए और लीजिए। देख लीजिए ये बैगन कैसे दे रहे हैं, 20 रुपए किलो जो कि बैगन दे रहे हैं। अपना नाम बताइए, नाम अपना बताइए। माजिल है जो कि यहाँ पर सब्जी लगाए हुए हैं, जो बैगन है और ये पपीता है, पपीता कैसे, पपीता 30 रुपए किलो है। तो देख लीजिए सब कुतिया है और बाकी बहुत सारा सब्जी लगा हुआ है, ये भी देखिए बेच रहे भाई। और भिंडी कैसे बेचे, ये क्या है, बतुआ है, ये देख लीजिए। और ये भिंडी है, बोरो है, काफी सारा है, ये कोहरा है, बतुआ कैसे दे रहे हैं, 20 रुपए किलो दे रहे हैं बतुआ। तो काफी सारा सब्जी भी ज्यादा महंगा नहीं है, देख लीजिए भिंडी है, ताजा है, ये गोभी है, देखिए आप गोभी है, गोभी कैसे दे रहे हैं, 10 रुपया का ये गोभी है, देख लीजिए ये, देखिए ये गोभी है, आप देख पा रहे होंगे 10 रुपये का एक गोभी दिया जा रहा है। लौका भी है, ये भी सब, लौका कितने का दे रहे हैं, लौका कितने का दे रहे हैं, देखिए ये जो लौका है कितने का है, 20 का, ये जो लौका है वो 20 का है, आप देख सकते हैं काफी सारा लौका यहाँ पर लगा हुआ है। और ये सतपुतिया है, ये कैसे है, 30, और सतपुतिया जो दे रहे हैं 30 रुपये दे रहे हैं। ये बैगन है, कोहड़ है, आप देख सकते हैं। टमाटर कैसा है भैया, 40 रुपये, टमाटर 40 रुपये किलो है। और मर्चा, मर्चा भी 40 रुपये किलो है।
आप देख सकते हैं। और सब्जी मार्केट में हम आपको पूरा दिखा रहे हैं, डुमराव का सब्जी मार्केट है और आप लोगों को पूरा पीछे से हम देखिए दिखाते हैं। देखिए वहाँ तक जो आप देख पा रहे हैं पूरा सब्जी ही मार्केट ही है, आप देख लीजिए। काफ़ी शाम का समय है इसलिए काफ़ी सारा भीड़ है, देख लीजिए। और अगल बगल जो सब्जी मार्केट है उसे काफ़ी सस्ता भी मिलता है। और कहे भैया आइए सामने ले कर भागिएगा का, तो देख लीजिए। हाँ तो देखिए ये सब्जी मार्केट आप लोगों को हम दिखा पा रहे हैं कि चारों तरफ सब्जी लगा हुआ है। और देखिए कुछ आदमी भी है, हम उनको दिखाते हैं कहाँ से आप आए हैं खरीदने के लिए सब्जी, कहाँ से आप आए खरीदने के लिए? हम तो आए बहुत दूर से, उधर से, कहाँ से? कुरान सराय। देखिए कुरान सरैया से आए हैं, इधर कुछ काम था तब आए हैं। देखिए इधर कुछ काम था और कुरान सरैया से तो यहाँ पर सब्जी मार्केट में भी आ गए सब्जी। वहाँ से काफी का सब्जी का क्या है, मतलब रेट अच्छा है या महंगा है या क्या है? यहाँ तो कम है। अब तो जो जैसे कि बता रहे सब्जी गोला है जो कि ये डुमराव का, तो यहाँ सब्जी जो है काफी रेट उचित कीमत मिलता है यानी कि कम है। और काफी सारा आप देख रहे हैं जैसे कि हम दिखा रहे हैं भीड़ है और जो यहाँ पर आते हैं आसपास वो यहीं से बाजार करते हैं, तो अभी दिखा रहे हैं। चलिए हम और सारा भी दिखाते हैं आपको, आइए आइए तो दिखाते हैं। देखिए भाई को हम दिखा रहे हैं अभी यहाँ दुकान पर आ चुके हैं और इनसे हम जानते हैं सभी सब्जी का रेट। ये भी देख लीजिए बैगन है और ये टमाटर है, मर्चा है। हाँ बताइए भैया को बंधा गोभी कैसे दे रहे हैं? 40 रुपए किलो बंधा गोभी है। बंधा गोभी 40 रुपए किलो है, गाजर है, टमाटर है, सभी का रेट बताएंगे। टमाटर बताइए भैया, टमाटर भी 40 रुपए किलो है, देख लीजिए काफी अच्छा टमाटर है जो कि 40 रुपए किलो मिल रहा है। धनिया पत्ता मर्चा वगैरह सब कुछ है, चुकंदर है, चुकंदर कैसे दे रहे हैं? चुकंदर 50 रुपए किलो है। चुकंदर जो है 50 रुपए किलो है, देख लीजिए बहुत सारा सब्जी यहाँ पर लगाए हुए है जो कि बोल रहा है कि बहुत ही ताजा है, स्वादिष्ट है और उचित रेट कीमत पर मिलेगा। तो चलिए हम आपको सब्जी यहाँ का इनका दिखा लेते हैं। आप दिखा पा रहे हैं आपको बहुत ही ताजा सब्जी है, करेली, भिंडी, बोरो, मर्चा, टमाटर जो कि उचित। टमाटर कैसे दे रहा है भैया? 40 जो कि बाजार का रेट है वही रेट दे रहा है, 40 का रेट दे रहे हैं। और सब्जी भी काफी अच्छा है इनका देखने में, देखिए चारों तरफ सब्जी तो यहाँ सबका अच्छा ही है, जिनका भी देख रहे हैं सब्जी सबका अच्छा है। यहाँ पर देख लीजिए चारों तरफ, यहाँ से चारों तरफ सब्जी ही लगा है, पूरा भीड़ है शाम तक, तो ये आप लोग देख पा रहे हैं। तो चलिए हम पूरा मार्केट आप लोगों को दिखा दिए हैं और भी कुछ यहाँ मार्केट में। मर्चा बहुत अच्छा है, देसीला मर्चा है, तो आप भैया से हम मर्चा लेते हैं। देख लीजिए भैया नाम बताइए, राजेंद्र नाम है भैया से हम पाव मर्चा। देखिए वजन में भी अच्छा मिला है, सामान भी अच्छा मिला है, सब कुछ यहाँ पर अच्छा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। टमाटर कैसे दे रहे हैं? 40 का टमाटर है, टमाटर भी हम आधा किलो लेंगे, आधा किलो टमाटर दे दीजिए। काफी सारा भीड़ है देख लीजिए, काफी सारा यहाँ पर भीड़ है। हम जैसे कि आप लोगों को शुरू से ही दिखा पा रहा है, देखिए बहुत सारा भीड़ है। और यहाँ से हम अब निकल रहे हैं धीरे धीरे, चारों तरफ सब्जी का मार्केट लगा हुआ है, आदमी लोग काफी भीड़ है वहाँ पर। और इसको हम देखिए दिखाते हैं, चलिए यहाँ पर भी हम सब्जी कुछ है, उनका सब्जी यहाँ पर भी लगाए हुए है। भैया काम सब्जी दिखा रहे हैं, देखिए आइए आप लोग खरीदिए। कैसे नेनुआ है भैया? नेनुआ और लौका 20 और बंधा गोभी जो बता रहे पता गुस्सा। तो देखिए सब्जी का रेट भी काफी अच्छा है और सब्जी भी दिखने में काफी अच्छा है, देख लीजिए। और टमाटर भी है, मर्चा वगैरह सब कुछ यहाँ पर है और भैया जो दे रहे हैं रेट भी काफी अच्छा है। तो आइए आप लोग यहाँ पर खरीदिए, देख लीजिए ये सब्जी चारों तरफ। आलू का भी इधर लगा हुआ है, देखते हैं हम आलू कैसे है। बताइए भैया आलू कैसे दे रहे हैं? आलू 93 रुपये का सही है, आलू 93 रुपये का 5 किलो है। आप लोग देख सकते हैं आलू का क्वालिटी भी काफी अच्छा है, देख लीजिए आलू का स्पेशल क्वालिटी है आलू। और देखिए काफी अच्छा है आलू, आलू का रेट भी अच्छा है 93 रुपये। सब्जी यहाँ पर दिखा चुके हैं और सब्जी का मार्केट भी, काफी सारा यहाँ का सब्जी भी दिखा चुके हैं। और उसके बाद हम यहाँ से अब निकलेंगे धीरे धीरे, चलिए कुछ और सब्जी जो है देखते हैं उसका भी हम देख लेते हैं। ये बूढ़ी माता है और ये भी यहाँ पर सब्जी बेच रही हैं, और देख लीजिए कितना वर्ष आपका उम्र हुआ? 100 बरिस हो गया कि नहीं? 90 बरिस, देखिए 90 बरिस का हो चुकी है यहाँ पर सब्जी बेच रही है। और अभी हम गोला का सब्जी मार्केट तो आपको दिखा ही चुका, अब गोला का एक सच्चाई दिखा रहे है कि देखिए कितना सारा गंदगी है और गोला का सफाई नहीं हो रहा है। देख लीजिए सब्जी मार्केट है तो काफी गंदगी है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर साफ सफाई का कुछ भी नामो निशान नहीं है, यहाँ पर कितना सारा गंदगी
पड़ा हुआ है और कोई भी यहाँ पर सफाई उफाई के लिए नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ बहुत सारा गंदगी यहाँ पर भरा हुआ है और सफाई का कोई भी नामो निशान नहीं है। तो ये गोला जो है, गोला के जो संचालक है उनसे ये हमारा तो अपील रहेगा कि सफाई भी करवाइए गोला का। और देखिए हम यहाँ के गोला के दुकानदार जो है, तो चलिए गोला के जो दुकानदार हैं हम उनसे जान लेते हैं कि सफाई तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम बात कर लेते हैं। ये गोला के लिए आप लोग कुछ पैसा वैसा लगता है वो देते हैं? देखिए हम यहाँ से जानने का कोशिश करते हैं। महीना लगता है? महीना लगता है। तो देखिए हमारे साथ नाम बताइए। गुलाम रसूल जी है जो कि आलू बेच रहा है, काफी अच्छा इनका क्वालिटी है और गोला का सफाई दिखाया है। हम गोला का सफाई दिखाई है तो हमारा फर्ज भी है ये पूछना कि गोला के जो संचालक है उनको पैसा जाता है कि नहीं जाता है, पैसा महीना में जाते हैं? तो देखिए जैसे कि गोला के सभी दुकानदार, जैसे कि जो सभी जितना भी लगाते हैं दुकानदार यहाँ, तो जो माल निकलेगा उसका भी लगेगा, जो दुकानदार बेच रहे हैं उनका भी लगेगा, जितने सारे दुकानदार है। लेकिन गोला का सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। सफाई हम आप लोगों को दिखा चुके हैं कितना साफ है और साफ गोला का आप लोग बताइएगा। और हमारा तो अपील रहेगा कि जब गोला के संचालक जो है यहाँ से सब्जी निकलने पर भी पैसा लेते हैं, जो दुकानदार है बैठे हैं उनका भी पैसा लेते हैं, लेकिन यहाँ गोला का सफाई और मेंटेनेंस का आप देख लीजिएगा। यदि पानी हो जाए तो चलने लायक नहीं रहेगा, उस प्रकार से रास्ता है वो कुछ भी नहीं है। और गोला के संचालक को पैसा रेगुलरली जाता है, सभी दुकानदार जैसे कि बता रहे हैं ये कि यहाँ पर पैसा जो है रेगुलरली जाता है, लेकिन गोला के साफ सफाई और मेंटेनेंस का कोई ख्याल यहाँ पर नहीं रखा गया। तो ये भी एक सच्चाई है और गोला से पैसा रेगुलरली तौर पर जो भी दुकानदार है वो सभी ले जा रहे हैं। और देखिए लेमन का यहाँ पर लगाया, हम इनसे पूछते हैं, बताइए भैया लेमन कैसे दे रहे हैं? नींबू 10 का 5 है, 10 का 4 है। तो ये जो आप नींबू देख रहे हैं 10 का 5 है और ये है 10 का 4 है। कोई सैकड़ा में लेना चाहे तो 180 रुपये। देखिए यदि आप इस नींबू को लेते हैं तो 180 का या 100 नींबू मिलेगा और ये 250 रुपये का 100 नींबू। और भी इससे अच्छा क्वालिटी भी है? ये है। ये कितने का है? ये 350 का है। ये जो आप टोकरी में देख रहे हैं ये 350 रुपये का 100 गो नींबू मिलेगा। ये तो विभिन्न प्रकार के क्वालिटी का यहाँ पर नींबू है। तो सभी गोला में बहुत सारा सब्जी आप देख सकते हैं और यहाँ पर आना होगा, बहुत सारे दूर दूर से भी लोग आते हैं तो आके आप यहाँ पर सब्जी बाजार देखिए कि हम यहाँ से सब्जी खरीद चुके हैं और हम यहाँ से निकलते हैं। अब आपको गोला भी दिखाए, गोला का साफ सफाई दिखाए, गोला का जो दुकानदार है उनसे भी थोड़ा बात कराए और देख लीजिए ये है। और पब्लिक प्लेस में ब्लॉगिंग देखिए, पब्लिक प्लेस में ब्लॉगिंग करने के लिए काफ़ी सारा मतलब चाहिए, हर कोई नहीं कर सकता है, तो ये हम आपको करके दिखाए हैं। और ये देखिए ये सब्जी है और इस साइड में जो गोला है यहाँ पर किराना दुकान वगैरह मिलता है, हम उस साइड में भी गोला। तो देखिए अभी हम ये गोला के जो सब्जी मार्केट है उसका अपोजिट साइड में एक और गोला है जिसमें किराना वगैरह का सामान मिलता है। ये बताइए आप क्या है यहाँ पर सब्जी बेच रहे हैं? क्या बेच रहे हैं? देखिए ये बिया बेच रहे हैं यहाँ पर, बिया जो है बैंगन गोभी, कैसे बिया दे रहे हैं भैया? 10 रुपया का मूठा है, बैंगन का भी बिया है और यहाँ पर मर्चा वगैरह टमाटर सबका बिया यहाँ पर बेच रहे हैं। तो चलिए हम इसमें घुसते हैं उसके बाद दिखाते हैं। हम घूम चुके हैं और इधर भी देखिए ये जो बिया बेच रहे हैं, बियर बेच रहे हैं, गोभी का भी बियर है, ये बैगन का बियर है, टमाटर वगैरह सब कुछ का बियर है। यहाँ पर दवाई वगैरह बीज भी मिलता है। तो जो कि सब्जी वाले जो गोला है उसका अपोजिट साइड में यहाँ से आके आप खरीद सकते हैं। इधर भी है देख लीजिए, इधर भी दुकान है, यहाँ से भी आप बीज वगैरह सब कुछ खरीद सकते हैं, बीज वगैरह भी खरीद सकते हैं। अंदर चलते हैं गोला के दिखाते हैं। चलिए अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हम दिखाते हैं, मार्केट में हम घुस चुके हैं और देखिए ये है संकट मोचन मंदिर, इसी मार्केट में जो सब्जी है उसका अपोजिट साइड में। इस गोला में चारों तरफ अंदर जाने पर किराना दुकान है, साइड में भी सब कुछ बिक रहा है, आप देख लीजिए गुड़ वगैरह गोला में आप जो किराना सामान बहुत अच्छा क्वालिटी में भी मिलता है, सब कुछ है। तो ये देख लीजिए हम इधर जाते हैं और इधर पता करते हैं कोई सामान हमको खरीदना है और हम देख लेते हैं। देखिए चारों तरफ किराना वगैरह का सामान मिल रहा है। देखिए गोला में हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ये देख लीजिए अभी शाम का समय है, लगभग 5 से अधिक हो रहा है। देखिए इधर बहुत सारा क्वालिटी का दाल मिल रहा है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत सारा क्वालिटी का दाल यहाँ पर मिलता है। तो गोला में बहुत किराना का सभी कुछ सामान इधर मिलेगा। इधर किराना उराना का दुकान है, आप लोग देख पा रहे हैं इधर किराना का दुकान है, इसमें इस जो सब्जी वाला गोला है उसका अपोजिट साइड में इधर किराना उराना का सामान सब कुछ मिलता है, आप देख पा रहे हैं।
हम आपको और जान के अंदर दिखाते हैं इस बोरा में, इसमें दुकान पर आ चुके हैं, देख लीजिए। और यहाँ से हम 5 लीटर फॉर्चून तेल लेंगे, जो कि बाकी जगहों से काफ़ी अच्छा है। ये देख लीजिए, फॉर्चून का क्वालिटी अच्छा मेंटेन किया हुआ। देख लेते हैं एक्सपायरी डेट वगैरह, जो कि हमारे ग्राहक लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए, और इसका 780 रुपया भैया रेट बता है। देख लीजिए, किराना दुकान है, यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है, आप जो भी चीज़ खरीदना चाहते हैं। नारियल कैसे दे रहा है भैया, नारियल का गोला? ये देखिए 20 रुपया है, और ये सब एक ही रेट है भैया? 20 का ना, 16 रुपया है, 20 रुपया है। कौन बता दीजिए, कौन कैसे रेट का है? ये 16 का है, और उधर वो जो रखे हैं वो भी 20 वाला ही है। तो देखते हैं हम, क्वालिटी अच्छा होगा तो वो भी 2 पीस लेंगे। तो अभी राजगढ़ के ये जो सब्जी मार्केट का गोला है उसे बगल में आए हैं, और यहाँ किराना का सामान लिए हैं, जो कि बहुत अच्छा रेट का भी मिल रहा है, क्वालिटी भी अच्छा है, तो आप यहाँ पर आके खरीद सकते हैं। इधर देख लीजिए, यहाँ पर जो है पाव रोटी वगैरह जो है और ये बिका रहा है, और आप आकर यहाँ पर भी कुछ खरीद सकते हैं। गोला में आइए, बहुत सारा चीज़ आप लोगों को मिलेगा। और गोला से निकलेंगे, देख लीजिए इधर भी आप लोगों को हम गोला थोड़ा दिखा देते हैं। देख लीजिए ये गोला है, और इधर सारा खेलने वाले बच्चा लोग का जो सामान है वो मिल रहा है ये गोला में, आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आप देख लीजिए ये मिल रहा है। और इधर अभी काफ़ी सारे दुकानें आज बंद भी है, शुक्रवार के चलते तरफ हम आपको गोला घुमाते चल रहे हैं। देख लीजिए इधर भी है, और इस साइड भी हम आपको गोला दिखा रहे हैं। देखिए इस साइड भी है, जो कि आप देख पा रहे हैं चारों तरफ किराना दुकान है, आप देख लीजिए। अब चलते हैं, अब इस गोला से हम निकलते हैं, ये भी हम आप लोग को दिखा चुके हैं, निकलते निकलते भी हम आप लोग को दिखाते चलते हैं। देख लीजिए, ये देख लीजिए, और ये है, और इधर भी देखिए, इधर गुड़ वगैरह मिलता है, गुड़ मिलता है। और इधर किराना दुकान है, आप देखिए, इधर आप देख लीजिए, इधर किराना का दुकान है, आप देखिए चारों तरफ, देख लीजिए इधर किराना दुकान है चारों तरफ, इधर किराना दुकान है, काफ़ी सारा दुकान खुला भी है। देखिए इधर भी भैया का दुकान, आप देख लीजिए, और दुकान से आकर जो भी कुछ खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, काफ़ी सारा दुकान है। और इस गोला में जो कि सब्जी मार्केट हम दिखा उसके अपोजिट साइड में ही है, आप आइए और यहाँ पर खरीदिए। और आगे चल कर देखते हैं, और देख लीजिए इधर भी किराना दुकान है, आप गोला में बहुत सारा किराना दुकान है, काफ़ी दुकान तो आज शुक्रवार होने के कारण बंद भी है, बता रहे हैं लोग कि शुक्रवार को काफ़ी सारा बंदी चलता है। तो देखिए ये है, इधर भी दुकान है, और इधर कुछ दुकानें बंद है, जैसे कि हम आप लोग को दिखा पा रहे हैं। आ चुके हैं इनके अभी दुकान पर, देखिए चुनरी वगैरह सब कुछ मिलता है, किराना का दुकान, पूजा पाठ का सामान जो भी है ये सभी चीज़ मिलता है। और ये देख लीजिए, आपका दुकान का नाम क्या है? मनोज चौरसिया इनका नाम है, दुकान का नाम बताइए, दुकान का नाम, दुकान का नाम भी मनोज चौरसिया जी के नाम पर है। देख लीजिए ये इनका दुकान है, और ये सारा दुकान आपको हम दिखा चुके, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ है। देखिए अभी हम भैया के शॉप पर आए हैं, और इनके शॉप का नाम भी है, शॉप का नाम बताइए सर। टिकटॉक किराना स्टोर। देखिए टिकटॉक किराना स्टोर है, अपना नाम बता दीजिए। अमित जायसवाल। और ये अमित जायसवाल जी है, और इनका शॉप का नाम भी है। अभी हम एक भैया से पूछे, उनका शॉप का नाम नहीं मालूम है, उनका केवल नाम ही मालूम है कि हमारा नाम है। और ये टिकटॉक किराना शॉप है, और जो उनके संचालक है उन का भी नाम, अपना संचालक का नाम बता दीजिए सर। उधार बंद है तो ये भी अच्छा है, उधार बंद होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उधार मांगने वाले भी बहुत सारे आते होंगे, इसलिए भैया देखिए पूजा पाठ का भी सामान मिलता है, खाने वाला पर जड़ी बूटी और पूजा पाठ का सामान मिलता है, साफ सुथरा सामान मिलता है। देखिए जैसे कि हम इनको दिखा चुके हैं, इनका नाम बहुत अच्छा सामान बिक्री करते हैं। अच्छा अच्छा, कोई बच्चा भी आए तो उसको अच्छा सामान देते हैं, मतलब कोई भी आए रेट में, रेट तो 10-5 रुपए का अंतर हो जाता है, लेकिन मार्केट है सामान बढ़िया मिलता है, पूजा पाठ का सामान मिलता है। अच्छा अच्छा, आप अपना नाम बता, नकली सामान नहीं देते हैं, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, और देखिए यहाँ के परमानेंट ग्राहक है। अच्छा, आप डुमराव में ही रहते हैं? हाँ डुमराव में, 5 साल हुआ से हमारा भैया भेंट हो गया। हाँ हाँ, इनसे हमको बार बार भेंट हो रहा है, सब्जी मार्केट में गए उस टाइम भी भेंट हुआ है, सब्जी वाला के यहाँ मुलाकात हुआ, देखिए किराना दुकान पर भी आ चुके हैं, यहाँ पर मुलाकात, तो चारों तरफ मुलाकात हो ही रहा है बहुत सारे लोगों से।
आइए आप दुकान में खरीदिए, उसके बाद ही आप लोग को असल क्वालिटी मालूम चलेगा। तो आइए यहाँ पर खरीदिए, एक बार यहाँ पर खरीदिए, उसके बाद ही आप लोग को क्वालिटी का माल दिखाते हुए निकल रहे हैं, देख लीजिए। और हम बहुत सारा बीज बेचते हैं, जो कि जैसे ही आप प्रवेश करिएगा उसी पर है। नाम बताइए। मुकेश कुमार चौधरी जी है, जो कि बहुत सारा बीज बेचते हैं। देख लीजिए, बिजड़ा है जो बैंगन का है, गोभी का है, और यहाँ पर देख लीजिए ये सब बिजड़ा है जो बीज बेच रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे बहुत सारा बीज है, और जो यहाँ पर है दवाई वगैरह भी बेचते हैं, दवाई वगैरह भी बेचते हैं। तो आइए इनके पास लीजिए, एक अच्छा क्वालिटी देंगे, और यहाँ पर आइए एक बार लीजिए। तो हम यहाँ से अब निकलते हैं, देख लीजिए इधर जो है कपड़ा वगैरह का दुकान है। आप देखिए इधर कपड़ा का दुकान है, और शायद भी कपड़ा का दुकान है, देख लीजिए। और यहाँ से हम अब निकलते हैं, धीरे धीरे आप लोगों को पूरा गोला हम घुमा चुके हैं। तो देख लीजिए, अब हम गोला से यहाँ से निकल चुके हैं और ये मार्केट में आ चुके हैं। तो ये मार्केट का नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये दोनों तो साइड, इस साइड एक गोला है और एक साइड है, देख लीजिए काफ़ी सारा भीड़, देख लीजिए काफ़ी सारा भीड़ है यहाँ पर। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।